हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम नंबर वन चैनल सुन क्लास में। जैसा कि आप देख रहे बोर्ड पे, आज की हम लोग की लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक हम लोग पहुंच गए किस पे, विद्युत अपघटन, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। बेटा इसी में आएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कहा जाता है फैराडे का नियम। लेकिन उस नियम के जाने से पहले हम लोग पिछली क्लास के कुछ नियमों की बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, कोलराउस का नियम, कि कोलराउस ने अपने नियम में किसको इंडिकेट किया, तनुता का नियम। विद्युत अपघटन में आयनों को तोड़ने के लिए कोलराउस ने अपने नियम को समझाया। जैसे आपको याद करिए, बताया था तुल्यांकी चालकता इनफाइनाइट इक्वल टू धनात्मक मतलब पॉजिटिव वैल्यू प्लस लैम्डा इनफाइनाइट नेगेटिव वैल्यू। मतलब आयनों की व्यक्तता को बताने के लिए हमने प्रयोग किया था किसका, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, व्यावसायिक बैटरियां। इन बैटरियों की बात करें तो सबसे पहली मुख्य बैटरी हम लोगों ने पढ़ी थी शुष्क शेल, इंग्लिश में बात करें तो ड्राई शेल। अगर बैटरियों की बात करें तो हम लोगों ने पिछली क्लास में बैटरियों के दो भाग बनाए थे। एक को कहा गया था प्राथमिक और बेटा दूसरे को कहा गया था क्या, द्वितीयक। इंग्लिश में बात करें तो एक हमारी आई थी प्राइमरी सेल और दूसरी जो आई थी वो थी आपकी सेकेंडरी सेल। मतलब दो प्रकार की बैटरी थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद हम लोग ने देखा था शुष्क सेल के बाद, याद करिए, शुष्क सेल मरकरी सेल। फिर आपको नाम याद आएगा लेक्लांसे सेल। फिर आपको याद आना चाहिए निकिल कैडमियम सेल। और लास्ट में और याद आना चाहिए ईंधन शेल। इतनी सारी मुख्य बैटरियों की बात हम लोग किए थे पिछली क्लास में। और हम लोगों ने बैटरियों को पाया था कि ये बैटरियां जो हैं वो मुख्य रूप से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती हैं। आज हम अपनी लास्ट टॉपिक पे आ गए। दो टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन है क्या इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर एक नाम आपको पता होना चाहिए, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन के लिए कौन कौन से नियम दिए। और उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे संक्षारण और संक्षारण से बचाओ। ये टॉपिक हो जाएगी खत्म, ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम एक एक चैप्टर रिवीजन कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। तो रिवीजन कराने का मेन पर्पस ये कि आपको वो चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ओके, चलिए हम बात करने वाले हैं विद्युत अपघटन की। कॉपी निकाल लीजिए बेटा, हेडिंग बना लीजिए विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। नए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम उन पुराने बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाकर सूम क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद जो इसेंशियल चीजें हैं उनको फिल करिए जल्दी बेटा।
ठीक है, फिल करने के बाद आप पाएंगे कि बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये वो पुराने बच्चे हैं जो हमारे इस YouTube चैनल से पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स ला दिए हैं। अगर आप भी अच्छे मार्क्स लाएंगे हमारे चैनल से पढ़कर, तो आपकी भी ऐसी बड़ी बड़ी फोटो हम अपने चैनल पर दिखाएंगे और आप फेमस हो जाएंगे अपने मोहल्लों में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, मात्र पूरे साल की फीस सिर्फ रखी गई है 999 रुपए, पूरे साल की फीस। उसके बाद 1 रुपए नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आपको एक बोनस दिया जाता है 599 का फ्री कोर्स। अब इस चैनल में आपको रोज सुबह लाइव क्लास मिलेगी, हैंडराइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 3 ईयर के पेपर। आपको पेमेंट करना है इस नंबर पे 7084817009 पे। ठीक है, छोटी सी सब्सक्रिप्शन फीस से जल्दी से इसको पेमेंट करिए। आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी निकाल लीजिए बेटा। चला जाए, चलिए। हमारी टॉपिक क्या है? हमारी टॉपिक है विद्युत अपघटन। जैसा नाम में ही है विद्युत, तो लिखिए विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघट्य के विघटन को ही विद्युत अपघटन कहा जाता है। देखिए बेटा, साफ साफ कह रहा है, विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघट्यों के विघटन को ही क्या कह सकते हैं? विद्युत धारा कहा जाता है। आगे, यह विद्युत अपघटनी शैल, जैसे कि आपको नाम याद होगा गैल्वेनिक शेल, याद कराए थे ना, या गैल्वेनिक शेल की जगह बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहे वोल्टमीटर। वोल्ट मीटर में संपन्न होती है। क्वेश्चन बनेगा किसमें संपन्न होती है? तो या विद्युत अपघटनी शैल या वोल्ट मीटर में संपन्न होती है, या विद्युत धारा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ध्यान से देखिए बेटा, इस चीज को छोटा लिखे तो बताइए और बड़ा कर दे। ठीक है, एक लाइन याद रखिएगा, अतः वोल्ट मीटर वह यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके बच्चा, अब सवाल होता है, सर विद्युत अपघटन में क्रियाशीलता कैसे होती है? तो आप क्या करिए, ऐसे बीकर बनाइए, एग्जाम में जितना सजा के लिखेंगे एग्जामिनर आपको मार्क्स उतने ही अच्छे देगा। इसलिए अगर एग्जामिनर को लुभाना है तो थोड़ा सा सजा के लिखना सीखिए कि आप क्या क्या चीजें भरेंगे।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बीकर ले लेते हैं। उस बीकर में विद्युत अपघट्य हम क्या कर देते हैं, भर देते हैं। अब जानते हैं कि विद्युत अपघट्य भरने के बाद इलेक्ट्रोड लगेंगे, तो इसमें क्या करिए, दो इलेक्ट्रोड आप डाल दीजिए। मेरे बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं कि एक जो इलेक्ट्रोड होगा वो होगा आपका कैथोड, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड होगा वो आपका होगा कौन सा, एनोड। इन दोनों को यहां कुंजी लगाकर हम जोड़ देते हैं। ओके, एक का नाम आप याद रखिएगा, एक आपका है कैथोड, एक आपका है एनोड। जोड़ दिया। उसके बाद अगर हम क्रियाशीलता की बात करेंगे तो क्रियाविधि में दो प्रक्रियाएं होंगी, जैसे कि ए का अगर ऑक्सीकरण होगा तो ए प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस आएगा, यह दिखाएगा ऑक्सीकरण विधि को। और अगर हम बात करेंगे हमारे पास अपचयन की, तो ये क्रिया दिखाएगी अपचयन को। क्योंकि मेरे बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं कि विद्युत अपघटन के लिए रेडॉक्स अभिक्रिया होना बहुत ही जरूरी है, और रेडॉक्स अभिक्रियाओं में मुख्य रूप से ऑक्सीकरण और अपचयन दो अभिक्रियाएं आती हैं। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई दिक्कत, इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो तुरंत मैसेज कीजिएगा, जल्दी से कॉपी करिए बेटा। क्लियर है तो यस सर मैंसेज दीजिए। एग्जाम में हमसे एक चीज पूछ सकता है, उसको आप याद रखिएगा कि जो क्रियाविधि है वो एनोड और कैथोड के बीच में संपन्न होती है। अब एनोड से जब कैथोड की ओर जाते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, किसका बेटा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दिख रहा है। और वही जब कैथोड से एनोड की ओर आते, कहां से कहां, कैथोड से एनोड, तो वहां होता है विद्युत धारा का प्रवाह। दो चीज ध्यान दीजिए, एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, और कैथोड से एनोड की ओर क्या, विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, तभी जाकर हमारा विद्युत अपघटन की क्रियाविधि संपन्न होती है। इसके साथ ही साथ हम लोग के एग्जाम में पूछता है कि विद्युत अपघटन की क्रियाविधि किस पर निर्भर करती है कि नहीं, विद्युत अपघटन की क्रियाविधि की निर्भरता कि किस पे वो निर्भर होती है। तो सबसे पहला बात याद रखिएगा, क्या विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। अब सर सवाल, सर विद्युत अपघट्य में कौन कौन से पदार्थ आएंगे, तो बच्चों विद्युत अपघट्य में सबसे पहले जो मुख्य पदार्थ आने वाला है वो होता है आपका अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार, लवण को ही कहा जाता है क्या, विद्युत अपघट्य पदार्थ। अब वही जब टूटता है तो उसी क्रिया को कहते हैं क्या, विद्युत अपघटन, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ गई। आइए हम दूसरी पॉइंट भी बात करें,
पहला है विद्युत अपघट की सांद्रता पर, दूसरा विद्युत अपघट की प्रकृति। बेटा प्रकृति का मतलब है कि आपका विद्युत अपघट है कैसा, प्रबल है कि दुर्बल है, तनु है कि सांद्र है, ये उसकी क्या होती है प्रकृति, बताइए। तीसरा विद्युत अपघट के दौरान प्रवाहित आवेश घनत्व की दिशा, सुन में आ रहा है, ये लिखे हैं दिशा। और लास्ट है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता पर, मतलब कोई भी विद्युत अपघटन की क्रिया विधि होगी तो इन्हीं मुख्य चार बातों पर निर्भर होगी। एक विद्युत अपघट की सांद्रता, दूसरी विद्युत अपघट की प्रकृति, तीसरा विद्युत अपघट के दौरान प्रवाहित आवेश घनत्व की दिशा, और प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता पर। बताइए बेटा क्या ये बात पकड़ में आ रही है? अगर आ रही है तो यस सर में आंसर दीजिए। अब एक सवाल मन में आ रहा होगा कि क्यों हम विद्युत अपघट कराते हैं, तो बेटा इसका यूज है तभी ना, इसका एक छोटा सा यूज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत अपघटन से संचारण के बचाव में, मतलब कि कोई लोहा या कोई भी धातु कुछ समय बाद उसमें जंग लग जाता है, उसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या, संचारण। तो विद्युत अपघटन के द्वारा हम संचारण होने से क्या कर सकते, बचा सकते हैं, यह है आपका पहला उपयोग। दूसरा विद्युत लेपन में, विद्युत लेपन एक प्रकार की विधि होती है, इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाते हैं, उसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या, विद्युत लेपन, बताइए। तीसरा भारी जल, जैसा कि मेरे बच्चे जानते हैं भारी जल का फॉर्मूला D2O के निर्माण में, ओके। यहां तो कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। और चौथा विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन गैस के निर्माण में, बोलिए बेटा क्या ये चारों पॉइंट क्लियर है, तो यस में आंसर दीजिए कि हम क्यों विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं। सबसे पॉपुलर टॉपिक है संचारण, यही हमारी लास्ट टॉपिक है, इसको लास्ट में पढ़ाएंगे। उसके बाद विद्युत लेपन में, भारी जल के निर्माण में, और विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन गैस के निर्माण में। तो आखिर इतनी सारी क्रियाविधि होती है विद्युत अपघटन से। फिर मन में एक क्वेश्चन आएगा कि विद्युत अपघटन को सबसे पहले किसने बताया, है कि नहीं, या विद्युत अपघटन को किसी वैज्ञानिक ने इस पर संक्षिप्त टिप्पणी दी, बिल्कुल, जिसका नाम ही है क्या, फैराडे, नाम सुना होगा, है कि नहीं। तो आप हेडिंग बनाइए फैराडे का
विद्युत अपघटन नियम। फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम पर कुछ टिप्पणी दी। सवाल यह हुआ कि सर फैराडे ने कितने नियम बताए, तो फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा दो। दो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वैज्ञानिक का नाम, पूरा नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियमों को प्रतिपादन किया और उनके रिकॉर्डिंग दो नियमों का प्रतिपादन किया। ओके, हेडिंग बनाई बेटा फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, जल्दी इसे कॉपी करिए। हो गया, अगर हम एक छोटे से फंडे की बात करें तो फंडा में याद रखिएगा कि फैराडे ने दो नियम दिया। अगर हम प्रथम नियम को फोकस करें तो जो फैराडे का प्रथम नियम है वो है W बराबर जेड आई टी। और बच्चा जो आपका द्वितीय नियम है वो आपका है W1 इक्वल टू W2 E1 अपॉन E2। बताइए क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है? अब सवाल है सर यहां पे जो वैल्यू है वो है क्या क्या? तो जो W है उसे कहा जाता है प्रवाहित मात्रा, Z जो है वो आपका रासायनिक तुल्यांक है जो एक प्रकार का कांस्टेंट मतलब नियतांक होता है, I जो है उसे कहते हैं धारा और T जो है उसे कहते हैं समय। यहां पे जो E है उसे कहते हैं तुल्यांकी भार। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा कि जो तुल्यांकी भार है वो होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। जल्दी से इन सभी फॉर्मूले को आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट खींच के लिख लीजिए, उसके बाद हम डिटेल में चलेंगे फैराडे का प्रथम नियम। कॉपी करिए बेटा। तो जल्दी से कॉपी करिए बेटा, खींच लिया। चलिए हेडिंग बनाइए, फैराडे का प्रथम नियम। लिखिए एकदम ध्यान से, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए, इलेक्ट्रोड दो होते बेटा, एक होता है आपका कैथोड और एक होता है आपका क्या, एनोड। मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के, प्रवाहित
आवेश के समानुपाती। अब चाहे तो आप समानुपाती कहे, चाहे तो आप अनुक्रमानुपाती कहे, समानुपाती होती है। ठीक है, अर्थात क्या कहने का इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा। इसके कहने का यह मतलब है कि W इज प्रपोर्शनल क्यू। और आप जानते हैं कि जब इस प्रपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे कहते हैं क्या, Z, मतलब Z इंटू क्या बेटा, Q। ये हो गया फॉर्मूला। अब एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि Q बराबर होता है I इंटू T। तो अगर इसका मान Q की जगह रख दे तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, W बराबर Z इंटू I इंटू टी, या W बराबर एक साथ लिख सकते हैं Z I T। एक और बात कि Z बराबर होता है E बाई F। E क्या है, E आपका है तुल्यांकी भार। F क्या है, F होता है फैराडे। और एक फैराडे का मान बच्चा याद कर लीजिएगा 96,500 होता है कूलाम। तो अब हम Z की जगह एक और लिख सकते हैं क्या, W बराबर E बाई F आई टी। क्या ये बात समझ में आ गई, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए बेटा। कॉपी कर लेंगे तो एक आप क्वेश्चन करा देंगे कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए इसको। फास्ट फास्ट आगे चला जाए। फैराडे का प्रथम नियम क्लियर। आइए हम बात करते हैं द्वितीय नियम की। फैराडे का द्वितीय नियम देखिए बेटा, इनके नियमानुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा विद्युत विभिन्न विद्युत अवघट्यों में प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं उनकी तुल्यांकी भार के व्युत्क्रमानुपाती। किसके, तुल्यांकी भार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है
डब्ल्यू वन इज प्रपोर्शनल वन बाई ई वन, इसको समीकरण नंबर एक कर लीजिए। डब्ल्यू टू इज प्रपोर्शनल वन बाई ई टू, इसको नंबर टू कर लीजिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब डब्ल्यू वन डिवाइड बाई डब्ल्यू टू, तो फॉर्मूला आपके साथ नहीं बनेगा, डब्ल्यू वन बाई डब्ल्यू टू इक्वल टू क्या, देख लीजिए, डब्ल्यू वन इक्वल टू डब्ल्यू टू इक्वल टू ई वन बाई ई टू। ओके, एक मिनट एक मिनट, व्युत्क्रमानुपाती मत करिए बेटा, समानुपाती कर दीजिए वरना उल्टा हो जाएगा। समानुपाती, ईवन ई टू, तो ये दोनों सामने हो जाएंगे, डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू इक्वल टू ईवन अपॉन ई टू। क्या फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम क्लियर हुआ? लास्ट टॉपिक है हमारी इस चैप्टर की संक्षारण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है। कहा जाता है कि जब लंबे समय तक धातुओं को खुला छोड़ देते हैं तो उसमें नमी, वायु एवं आर्द्रता के कारण वह संक्षारित, संक्षारित का मतलब होता है जंग लगना, हो जाता है। क्या हो जाता है? संक्षारित हो जाता है। अतः इसी क्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहा वायु एवं नमी से संक्षारित होकर हेमेटाइट क्या फॉर्मूला Fe2O3.2H2O, ये हेमेटाइट का फॉर्मूला है, हेमेटाइट में परिवर्तित हो जाता है। लोहा का फॉर्मूला Fe, वायु O2, नमी मतलब जल, हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3.2H2O। ये आपका हेमेटाइट है जिसका कलर होता है लाल भूरा। बैलेंस करने के लिए यहां दो लगा दीजिए, तो देखिए चार Fe हो गया, तो चार यहां लगा दीजिए, तीन यहां, दो यहां, ये हो गया बैलेंस। हम लोग एग्जाम में पूछा है कि अगर कोई धातु संक्षारित होता है तो किस रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो सबसे पहले ही याद कर लीजिएगा, जो जो लोहा है वो लाल भूरा में परिवर्तित हो जाएगा। कॉपर, जैसा कि आप जानते बेटा तांबा, वह हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। सोना और चांदी, ये संक्षारित होकर
काले रंग में परिवर्तित हो जाएगी। यह है पहचान। अब जैसा कि हमारे पास ये बहुत कीमती है तो हम क्या करेंगे, इनका बचाव, किसका, संक्षारण से बचाव। संक्षारण से बचाव के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे तेलों द्वारा, ग्रीसों द्वारा, पेंट लगाकर, गैल्वेनीकरण क्रिया, यशद लेपन और मिश्र धातु बनाकर। इतनी क्रिया द्वारा हम संक्षारण से बचा सकते हैं। यह भी चैप्टर हो गया खत्म। इस तरह हमारे 3 चैप्टर हो गए कंप्लीट। अब क्या होगा, इन्हीं 3 चैप्टर को हम रिवीजन कराएंगे और इससे एमसीक्यू, अति लघु, लघु आंकिक प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। आपका बस एक काम है, सभी फॉर्मूले को अच्छे से रटिए। आइए देखा जाए आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज की क्लास हम लोग की स्टार्ट हुई पुराने टॉपिक से और आज का जो मेन मोटो था वो था विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन एक क्रियाविधि होती है जो विद्युत अपघट्यों को तोड़ती है, इन्हीं के द्वारा विद्युत धारा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते। सबसे मुख्य चीज लेते हैं वोल्ट मीटर। ओके, ये याद रखिएगा, जब एनोड से कैथोड की ओर आएगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, लेकिन कैथोड से एनोड की ओर जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। उसके बाद हमने क्रियाविधि में निर्भरता देखी, सांद्रता पर, प्रकृति पर, आवेश पर और इलेक्ट्रॉन की सांद्रता पर। इनका उपयोग निम्न चीजों में पाया। फैराडे ने 2 नियम बताया, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, दोनों के फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए, रट जाइए। ठीक है, प्रथम नियम को देखिए कितने भागों में बांटा, फॉर्मूला बहुत ही पॉपुलर है, ZIT। और फैराडे का द्वितीय नियम, इसके बाद संक्षारण और इसके बाद क्या है, उपयोग। आपका एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं, NCERT बुक का 2 क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।